नमस्कार दोस्तों, डाउन टू अर्थ में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं पीएलसी वैगन्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये है पीएलसी वैगन्स और इनका इस्तेमाल कंटेनर गाड़ियों को ढोने के लिए किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ सिर्फ अंडर कैरेज है और उसके ऊपर ये जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसमें अभी तो कार्य जारी है और इसमें कंटेनर जो है वो लाद के माल की ढुलाई की जाती है। तो दोस्तों, ये है वो बीएलसी वैगन्स जिसमें आप देख सकते हैं ये कंटेनर की ढुलाई ड्राई पोर्ट के थ्रू की जाती है। जो बंदरगाह होते हैं वहाँ से कंटेनर जो जहाज द्वारा आते हैं विदेशों से, ये डबल कंटेनर की गाड़ी आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये जो अभी बीएलसी रेक बनी है वो बेस डिपो इसका तुगलकाबाद है, उसके लिए बुक होने वाली है। और ये जो कार है वो ए कार है। बीएलसी की दो तरह की जो गाड़ियां होती है, एक होती है ए टाइप और होती है बी टाइप। और जो एक जो इसका यूनिट होता है उसमें दो ए कार्स होते हैं और तीन बी कार्स होते हैं, तो पांच का एक यूनिट होता है। आप देख सकते हैं ये ए कार है, ये देख सकते हैं कॉनकोर के लिए बनाई गई है, जो कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड होता है कॉनकोर, इंडियन रेलवेज की एक पीएसयू है। आपको कंपोनेंट्स के बारे में भी बताएंगे, तो पहले चलिए ए कार और बी कार के बारे में जानते हैं। ये ए कार का जो हिस्सा है ये आप देख सकते हैं, ये एपी ब्रैकेट है। ये जो आप देख रहे हैं ये सीधी बनी हुई एक एंगल जो यहाँ पे लगाया गया है, इससे होता क्या है, इसमें कंटेनर जो ऊपर से रखी जाती है तो वो उस एपी ब्रैकेट के थ्रू, इस तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं कैसे कंटेनर को रखा जाता है, गाइड होता है और कंटेनर जैसे ही रखी जाती है वो वहाँ से निकलकर जो है अपनी जगह पे आ जाती है। ये कार को पहचानने का एक तरीका होता है, ये जो आप ये निकला हुआ हिस्सा देख रहे हैं ऊंचा जो बना हुआ है, ये ए कार को इससे देख के हम पहचान सकते हैं। दोस्तों, इसमें जो बोगी लगी हुई है वो रेनका की बोगी लगी हुई है। ऐसे हम जो आम जो मालगाड़ी के डिब्बे होते हैं जो बॉक्सन टाइप के, उसमें जनरली कैसनब बोगीज लगे होते हैं। आप देख सकते हैं इसमें टेयर वेट और इसकी जो कैपेसिटी है वो लिखी जा रही है। टेयर वेट इसका 19.32 टन होता है और जो इसकी कैपेसिटी है, इसमें माल ढोने की जो क्षमता है वो 80.68 टन होता है। दोस्तों, आप इसको जो देख रहे हैं ये एक लॉकिंग डिवाइस है जिसे ट्विस्ट लॉक कहा जाता है। जो कंटेनर इसके ऊपर रखी जाती है तो ये जो डिवाइस है आप देख रहे हैं ये, इसके द्वारा इसे लॉक किया जाता है। एक वो जो लॉकिंग डिवाइस आप देख रहे हैं वो साइड में वहाँ लगा हुआ है, और जो दूसरा एक लॉकिंग डिवाइस वो बीचों बीच लगा होता है, लगभग 20 फीट की दूरी पर। ये दूसरा लॉकिंग जो डिवाइस है इसे, जिसे ट्विस्ट लॉक कहा जाता है, आप देख सकते हैं ये यहाँ लगा होता है। ये ऐसे मूव भी करता है, ये नीचे की तरफ आ जाता है, इसे खोल कर ऐसे नीचे गिराया भी जा सकता है। जब वो कंटेनर की लेंथ अगर 20 फीट से अधिक होगी तो इसका ये वाला जो बीच वाला जो है ट्विस्ट लॉक, इसे नीचे कर दिया जाता है और जो वो लास्ट में जो ये पोर्शन में रखी हुई है ट्विस्ट लॉक, तब इसका इस दोनों का केवल यूज़ किया जाता है, ये इस कोने में और वो उस कोने में, और ये बीच वाला हिस्सा जो है उसे नीचे गिरा जाता है। अगर दो कंटेनर्स यूज की जाएंगे इसमें तो फिर ये बीच वाले जो दिया हुआ है ये वाला, इसका यूज़ किया जाता है। दोस्तों, अगर कपलिंग की बात करें तो इसमें भी सीबीसी कपलिंग दी हुई है और एयर ब्रेक सिस्टम है एज यूजुअल जो आप देख सकते हैं।
और ये जो आप देख रहे हैं ये वाला जो कार है ये बी कार है, जो कि एक सिंपल होता है। दोनों तरफ आप देख सकते हैं ये एपी ब्रैकेट इधर भी लगी हुई है और एपी ब्रैकेट इस साइड भी आप देख सकते हैं। तो एक सिंपल है बी कार जो बीच में लगा होता है, दोनों एक सेट में दो ए कार्स होते हैं जो कि दोनों एंड पे होते हैं और बीच में ये तीन बी कार्स। तो आप देख सकते हैं ये बी कार, यहाँ बी एल सी एस बी लिखा हुआ है। दोस्तों अगर हम इसमें एक नई चीज जो आई है वो एक लोकेशन डिवाइस जिसका नाम है RFID, ये जो आप देख रहे हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस इसे कहा जाता है, ये RFID है जो आजकल जो नई मालगाड़ी के जो डिब्बे होते हैं उसमें लगाई जाती है। हम बात करें ब्रेकिंग सिस्टम की तो आप इसमें ये पाइप देख सकते हैं, ये जो पाइप है ये जा रही है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है ब्रेकिंग का। ये जो आप जो ब्लैक कलर की ये जो डिवाइस देख रहे हैं इसे डस्ट कलेक्टर कहा जाता है, DC इसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और ये जो आप लगा हुआ देख रहे हैं इसे DV कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्व है ये, जो एयर प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये सिलेंडर एयर रिजर्वायर है, इसे ब्रेक सिलेंडर भी कहा जाता है। और जो इसमें प्रेशराइज्ड एयर होता है जो ये आप देख सकते हैं, इसका पाइपिंग अरेंजमेंट जो किया हुआ है वो इसका कनेक्शन बोगीज में, दोनों बोगीज जो होती है ये, इसे हम बोगी कहते हैं, से कनेक्टेड होता है जो कि ब्रेकिंग सिस्टम को यूज करने के लिए जरूरी है। तो दोस्तों ये BLC रेक जो होती है वो एक पूरे, अगर हम रेक की बात करें तो उसमें कुल 45 वैगन होते हैं, ये ए कार और बी कार का जो कॉम्बिनेशन होता है वो 45 का होता है। तो दोस्तों ये BLC रेक से जुड़ी जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।